जो आज पिशावर में दहशतगर्दी का वाक़ हुआ, उस वाक़े से शुरू करते हैं। और मुझे खुशी है कि रहीमुल्ला यूसुफ सईद साहब, जो एक बड़े बहुत माने जाने एनालिस्ट हैं अफगानिस्तान के ऊपर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रहीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रहीम साहब, ये बताइएगा, पाकिस्तान ये कहता है कि हमने अपना इलाका सारा जो है वो दहशतगर्दों से साफ कर लिया, लेकिन अमेरिका की तरफ से मुसलसल आवाज़ आ रही है कि जनाब जो हकानियों की सीनियर लीडरशिप है उसको आपने पनाह दी हुई है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सदर ट्रंप की पॉलिसी जो है उसकी बिना पर हम आपके खिलाफ सख्तियां और पाबंदियां लगा सकते हैं। तो दोनों मुल्कों की जो हैं ये नज़रियात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आप क्या समझते हैं, हम एक दूसरे को अपने नुक्ता नज़र पर आज़ादी कर लेंगे, और किस किस्म का दबाव जो है वो अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर डालेगा? देखें, बज़ाहिर तो ये आसान नहीं होगा कि दोनों मुल्क अपने इख्तलाफात के ऊपर काबू पा लें, ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। काफ़ी मुश्किलात हैं, काफ़ी इख्तलाफात हैं, और जो अमेरिका अभी धमकियां दे रहा है पाकिस्तान को, मेरे ख्याल में उसके ऊपर तो पहले ही अमल दरामद शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की इमदाद कम की गई है, पाकिस्तान में ड्रोन हमले भी हो रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ तरीकों से दबाव डाला जा रहा है। अफगानिस्तान की सरजमीन जहाँ पे अमरीकी फौज है, नेटो फौज है, वहां से पाकिस्तानी इलाके में हमले होते हैं, और इंडिया को एक बड़ा किरदार पहले ही से दे दिया गया है अफगानिस्तान में। तो मेरे ख्याल में अमरीका ने इससे बढ़कर और क्या करना है, काफी पाबंदियां हैं। आप दुरुस्त कर रहे हैं। ये भी बताएगा रहीमुल्ला साहब के दाइश, जिसके बारे में सारी दुनिया में बहस होती है, करजई साहब कह रहे हैं कि दाइश को तो अमरीका सपोर्ट कर रहा है, एक ये व्यू भी सामने उभर कर आ रहा है कि शायद अमेरिका तो अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहता, और वो चाहता है कि किसी तरह दाइश पनपे और अफगानिस्तान अनस्टेबल रहे, ताकि पाकिस्तान पर, चीन पर और रूस पर जो है वो दबाव जो है उसको मुसलसल कायम किया जा सके। लेकिन अगर अमेरिका अफगानिस्तान में अमन चाहता तो पिछले 16 साल में वो कोई अमन के लिए काम करते। उन्होंने तो हमेशा फौजी तरीका इस्तेमाल किया। अब भी जो ट्रंप की पॉलिसी है 21 अगस्त की, जो उसने तकरीर की, उसने भी ये फौजी हल निकालने की बात की गई है। तो मेरे ख्याल में अमन के बारे में तो अमेरिका ने कभी कोई संजीदा कोशिश नहीं की। दाइश के हवाले से मशरकी वस्ता में पहले ही ये इल्ज़ाम लग रहा था कि इसमें अमेरिका का हाथ है, अमेरिका इनके पीछे खड़ा हुआ है। अब तो अफगानिस्तान में भी हामिद करजई के अलावा कई उनके पार्लियामेंट के अरकान हैं, कई दानिश्वर हैं, वो यही बात करते हैं कि उनके पास शवाहिद हैं कि अमेरिका दाइश की हिमायत कर रहा है, उनको हेलीकॉप्टर में मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाया जा रहा है, उनको असलाह मिलता है। हत्ता कि जलालाबाद से जो उनके पार्लियामेंट के रुकन हैं वो ये कहते हैं कि जलालाबाद का जो एयरबेस है वहां पर दाइश को सपोर्ट करने की सारी प्लानिंग होती है और वहां से उनको सप्लाई भी होती है। तो मेरे ख्याल में ये आपने दुरुस्त कहा। ये भी बताइएगा, मैं पढ़ रहा था कि जनरल निकलसन ने अब ये दावा किया है कि जनाब हमने इराक और सीरिया से अपनी हवाई ताकत को बुलाकर अफगानिस्तान में 3 गुना ज्यादा हमले कर दिए हैं, और अब तालिबान जो है वो पसपाई कर रहे हैं, वो बड़े शहरों को कब्जा करने के बजाय गुरिला जंग लड़ रहे हैं। क्या अमेरिका का ये दावा करना कि वो तालिबान को पसपाई पर मजबूर कर रहे हैं और वो और अफगानिस्तान की फौजें मिलकर उनका अफगानिस्तान पर कंट्रोल बढ़ रहा है, क्या ये एक हकीकत पसंदाना दावा है? मेरे ख्याल में कोई ऐसा जर्नल नहीं होगा जो ये दावा नहीं करेगा। ये सब ऐसे ही कहते हैं कि हमें कामयाबी मिल रही है। आपके अगर अब रिकॉर्ड उठा के देख लें तो जनरल फ्रैंक एलन, जनरल डनफोर्ड, जनरल पेट्रॉयस, ये सारे इस तरह के दावे कर चुके हैं। ये पहले अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो की फौज के कमांडर रहे हैं। कोई जनरल ऐसा नहीं आया जिसने ये दावा न किया हो कि वो ये जंग जीत रहे हैं, लेकिन सूरत हाल वही है जो पहले थी। यकीनन इनकी हवाई ताकत में इजाफा हुआ है, फिजाई कुवत को भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक महीने में 751 एयर स्ट्राइक्स हुए, तो ये एक रिकॉर्ड है। लेकिन आप देखें कि ये जंग जो है ये सिर्फ फिजाई कुवत से जीतना मुमकिन नहीं है। हम थोड़ा सा अपने घर की तरफ रहीम साहब, हम अपने घर की तरफ आते हैं। आप मुतमईन हैं कि केपीके में और फाटा में
जिस तरह फौज ने, एफसी ने, पुलिस ने और लोगों ने मिलकर इलाके में अमन कायम किया है, इलाके के लोगों को हौसला दिया है, आप समझते हैं कि उस लिहाज से हमारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो केपी के और फाटा के अवाम का पाकिस्तान, पाकिस्तान की अफवाज पर एतमाद को बढ़ाएंगी? देखिए यकीनन यहाँ पे बहुत बड़ी तब्दीली आई है, पहले के मुकाबले में हमले कम हो गए हैं। जब भी ऐसा हमला होता है जिस तरह आज पेशावर में हुआ तो उससे थोड़ी सी मायूसी फैलती है, लेकिन जब वो देखते हैं कि उनकी पुलिस ने कैसे जबरदस्त रिएक्ट किया, एकदम वो वहां पहुंच गए और देखें ये हमलावर खुदकुश हमलावर तीन थे और उनको कोई कोई भी उनको मकसद हासिल नहीं हुआ, कोई उन्होंने किसी फौजी तनसीबात के ऊपर पुलिस के ऊपर हमला नहीं किया बल्कि उन्होंने आम शहरियों के ऊपर हमला बिल्कुल किया, ठीक तालिब कहा, इल्मों के ऊपर हमला किया। तो दुरुस्त मेरे कहा। ख्याल में जो यहाँ पे सूरत हाल बेहतर हुई है ये सबकी कुर्बानियां हैं, जिस तरह दुरुस्त आपने कहा कहा आपने, फौज की, पुलिस की और आम लोगों की। और दुरुस्त देखें है, 40% लोग फाटा के बेघर हुए थे, 40% दुरुस्त है, आबादी, और ठीक उन्होंने कह रहे इसको हैं। बर्दाश्त किया, वापस जा रहे हैं, तकरीबन चले गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये अवाम की हिमायत ही से हम देख रहे हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो ये जंग में काफी उनको कामयाबी अंतिया आइकन दबाइए और एपिक पाकिस्तान की अपडेट पाइए।